नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार अगले एक साल का बजट पेश करेगी, जिसमें अगले एक साल के दौरान होने वाले खर्च का संभावित ब्यौरा होगा। वहीं इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े विभागों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास वर्तमान में कई विभाग हैं। बजट सत्र के दौरान विधायकों द्वारा इन विभागों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नियुक्ति मंत्रियों की सूचना विधानसभा सचिवालय को दे दी है। मुख्यमंत्री यादव के पास वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, खनिज संसाधन, विधि एवं विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आनंद लोक सेवा प्रबंधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और जनसंपर्क विभाग है। सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्री कृष्णा गौर को नियुक्त किया गया है। नर्मदा घाटी विकास और जनसंपर्क विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधि एवं विधायी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्री गौतम टेटबाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गृह और जेल विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को नियुक्त किया गया है। प्रवासी भारतीय विमानन विभाग के लिए मंत्री प्रतिमा बागरी को नियुक्त किया गया है, जबकि खनिज संसाधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से संबंधित सवालों के जवाब के लिए मंत्री दिलीप अहिरबार को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आनंद और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के लिए मंत्री राधा सिंह को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मंत्री अपने से जुड़े विभागों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते आ रहे हैं। हालांकि उन विभागों में राज्य मंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जो भी विभाग है उसमें राज्य मंत्री नहीं है, इसीलिए अलग अलग विभागों के मंत्रियों को अधिकृत किया गया है।